Guys, very good morning. Today is 11th October. कल हम लोगों ने मैटरनिटी शूट किया स्टूडियो में मालवीय नगर. उसके बाद तो मैं घर चला गया था, हितेश और अमित भी घर चले गए थे. और आज मंडे है, दोबारा एक मैटरनिटी शूट है एट लोधी गार्डन. जैसे कि न्यूज़ में है कि कल जो है बर्फबारी हुई है श्रीनगर में, गुलमर्ग में, तो मोस्ट प्रोबेबली ठंड का जो आगाज है ना वो हो चुका है. ठंड अब पड़ने वाली है. इस बार लास्ट ईयर से उम्मीद है कि ज़्यादा होगी, बिकॉज बारिश बहुत हुई है, बहुत लंबे टाइम तक बारिश हुई है. मेरे साथ मेरी मैडम. वाई? बिकॉज आज जो है ना मेकअप है. क्लाइंट का टाइम 7:30 का था. राइट नाउ टाइम इज 7:47. मुझे सिर्फ 5 मिनट हुए हैं मेरे पार्किंग से निकले हुए. मैंने क्लाइंट को मैसेज भेजा हुआ है कि आप लोग कब पहुंच रहे हैं. ये मैसेज मैंने करीबन 7 बजे भेजा था, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया. ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो चुके हैं. अच्छा, हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस क्यों भेजते हैं, फ़ोन कॉल क्यों नहीं करते? वी डोंट नो राइट कि क्लाइंट उठ गए हैं, नहीं उठे हैं, क्लाइंट लेट है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो. तो हम लोग बेसिकली कॉल्स नहीं करते हैं. कॉल्स, मुझे ऐसा लगता है कॉल करके डिस्टर्बेंस करना ठीक नहीं है, तो हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं. ये सनरूफ का मज़ा लेते हुए I-20. सो गाइस, अभी हम लोग लोधीगढ़ पहुंच रहे हैं और वहाँ शूट शुरू करने से पहले हम लोग करेंगे मेकअप, और मेकअप प्लस हेयर डू होगा, उसके बाद हम लोग शूट शुरू करेंगे. आज जो है ना शूट थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज 8 बजे अगर हम पहुंच रहे हैं, मेकअप होगा अराउंड 45 मिनट्स का, तो शूट शुरू होगा 9 बजे, करीबन 11 बजे तक चलेगा शूट. उसके बाद हम लोगों का दिन हो जाएगा फ्री, बिकॉज आज जो न्यूबॉर्न शूट था नोएडा में वो हो गया कैंसिल. उनके ब्रदर इन लॉ को डेंगू हो गया. डेंगू होने से उनकी हॉस्पिटलाइजेशन हो गई है. ही इज सॉर्ट ऑफ इन क्रिटिकल पोजीशन. तो अब जो है कंसर्न ये है कि हम लोगों का शूट हो गया कैंसिल. हो सकता है कि क्लाइंट जो है अपने ब्रदर इन लॉ को यहाँ दिल्ली NCR में लाए, बिकॉज वो आगरा से वही सब ले आएंगे, और तो वो शूट कैंसिल हो गया. तो हम वो शूट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली अब 6 मंथ्स में, या तो 6 मंथ्स में या 1 ईयर में करेंगे तो ज़रूर, बिकॉज उनका हमने मैटरनिटी शूट किया था, उनको बहुत अच्छा लगा. इंडोर एट होम किया था हमने उनका शूट, बहुत अच्छे इफेक्ट्स आए, बहुत अच्छे तरीके से एल्बम को डिज़ाइन और प्रिंट करके डिलीवर किया गया. बेसिकली हम लोग एल्बम और ये सब चीज़ें जो है ना डिलीवर करते हैं. तो गाइस आगे चलते हैं और आगे मिलते हैं. सो गाइस, टाइम इज 10:05, और हम लोग पहले यहाँ शूट किया. यहाँ हम लोगों ने सामान रखा हुआ फ़िलहाल. मैम लोग मेरे ख्याल से करीबन 45 मिनट्स लेट आए थे आज. तो सर कहने लगे कि वो दुर्गा आरती चल रही है आजकल, दुर्गा पूजा ऑब्वियसली शुरू हो गया आज के, तो उस वजह से हम लेट हो गए. क्लाइंट को मैंने पहले पूछा था समवेयर अराउंड 6:48 पे, 7:30 का टाइम था. 6:48 पे मैंने पूछा कि आप लोग कब तक पहुंचेंगे. क्लाइंट का कोई जवाब नहीं आया था. 8:02 पे जवाब आया कि हम लोग ऑन द वे हैं, 10 मिनट्स में पहुंचेंगे. लोधी कॉलोनी से आए हैं वो, लेकिन वो पहुंचे 8:30. तो 7:30 का शूट टाइम, क्लाइंट पहुंचे हैं 8:30. कोई बात नहीं, हम लोग तो
फ्री बैठते हैं तो हम लोग वेट करते रहे। अभी क्लाइंट का ब्लैक ड्रेस पे शूट हो रहा है यहाँ पे। आपको बर्ड्स की आवाज़ आ रही होगी पीछे से, बर्ड्स जो है ना आपस में बात कर रहे होंगे अभी। और मैं जो है जा रहा हूँ जहाँ पे ये शूट कर रहे हैं। ठंड जो है बस शुरू होने वाली है बहुत जल्द। कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ। और ये है टॉम। सो गाइस यहाँ पे ना मैं देख पा रहा हूँ एक प्री वेडिंग शूट हो रहा है। अब ये प्रॉपर प्री वेडिंग शूट हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ कर रहे हैं। ये हीलियम बेलून्स लाए हैं और ये कपल्स जो हैं पोज दे रहे हैं। यहाँ पे रील बन रही है, यहाँ पे एक लाइट मैन है जिसने फ्लैश होल्ड किया हुआ है, पीछे एक फोटोग्राफर है, एक बीच में मोबाइल लेके शॉट ले रहा है। तो दिस लोधी गार्डन इज़ नाइस एक्चुअली में, और फोटोशूट के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन कभी कभार यहाँ पे ना मास्क वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं 2000 रुपये के चालान काटने। मुझे बड़ा गुस्सा लगता है जब मुझे दिखता है ना कि लोग बिना मास्क के जॉगिंग वॉकिंग कर सकते हैं। वो जो घास कटर की आवाज़ आ रही है ना आपकी, वो बिना मास्क में काम कर रहा है। और ये भाई साहब जो है ना, ये भाई साहब बिना मास्क के काम कर रहे हैं। पीछे भाई साहब है एक, वो भी बिना मास्क के हैं। तो जब लोग बिना मास्क के घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई। अभी तुगलकाबाद के स्टेशन से एक कांस्टेबल आते हैं, वो डेली बहस करते हैं मेरे से। एवरी डे काम है उनका, जब भी वो मिलते हैं बहस करते हैं। बीट वाले हैं बेसिकली, उनका चक्कर लगता रहता है यहाँ पे ना। यहाँ फ्लैश फायर हो रहा है, आपको दिख रहा है फ्लैश फायर होते हुए। सो गाइज हम लोगों का ये कौन सा ड्रेस चल रहा है हम लोगों का? फर्स्ट, सेकंड बाकी है। ये कितना लेट करेंगे भाई हम आज? क्लाइंट तो लेट आया ना, अरे क्लाइंट तो लेट आया, क्लाइंट तो दुर्गा आरती में बैठे थे ना, लेट तो आएंगे ही। अब क्या बोलूँ मैं, जब हमने 7:30 बजे का स्केड्यूल किया हुआ शूट, तो तुम दुर्गा आरती में कैसे बैठ गए? तुम्हें नहीं बैठना चाहिए था ना दुर्गा आरती में। और अगर तुम्हें दुर्गा आरती में ही बैठना है, तुम्हें पता है कि तुम दुर्गा आरती में बैठोगे सुबह 6 बजे 7 बजे कभी भी, तो मुझे रात को बोल दो। रात को क्लाइंट ने कंफर्म भी किया है कि 7:30 बजे ना। मैंने कहा यस सर। 7:30 बजे ना यस सर बोलने के बाद ये लोग आज 1 घंटे लेट आए हैं। 1 घंटे में 2 गाड़ी, मेरी गाड़ी हितेश की गाड़ी, कितना पेट्रोल डीजल जलेगा? करीबन 400-500 रुपये का। और 1 घंटा वेटिंग, वो अलग। नुकसान किसका? शुभांकर डे का। देखो ये गार्ड आ गया, ठीक है ना, ये गार्ड आ गया उंगली करने। कोई लॉजिक है नहीं इसका, कोई काम धंधा नहीं है, बट आ गया उंगली करना ही है। ठीक है जी, करो उंगली, पैसे चाहिए बस गार्ड को भी। सो गाइस शूट अभी भी हम लोग कर रहे हैं। इट्स 11:26 AM। हम लोग यहाँ से 7:30 बजे से हैं, तो ये करीबन 4 घंटे हो गए आज हमें शूट करते हुए। ये रहा टाइम, यहाँ क्लाइंट का शूट हो रहा है। पहले हम लोग उस तरफ शूट किए, फिर यहाँ शूट किए,
फिर क्लाइंट का ड्रेस चेंज हुआ, यहाँ फिर दोबारा मेकअप एंड देन अगेन शूट। अभी फ्लो की तैयारी चल रही है। माय लेडी 1 2 3 गो। ओके सर आई एम। सो गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब गेट नंबर 7 से। आज मुझे ना पता क्या मिला लोधी गार्डन में, ये देखिए मुझे आज लोधी गार्डन में ये मिला। व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड, इसको ना मैं वाइल्ड लाइफ बाय शुभ, ये मेरा एक इंस्टा हैंडल है, मैं इस पे डालूंगा तो आप लोग वहाँ पे मेरे वाइल्ड लाइफ क्रिएटिविटी देख सकते हैं। सो यू जस्ट गो देयर एंड फॉलो मी। ओके, साइनिंग ऑफ फ्रॉम लोधी गार्डन। दोबारा मिलते हैं कहीं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। हितेश बाय कर दो। बाय।